हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियोस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो वीडियोस का शुरू में आपने वीडियोस देख लिया होगा, आइस के अंदर फोटो लगाने वाले वीडियोस जो है, इस तरह का वीडियोस जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप भी इस तरह का वीडियोस बनाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो आपका जो है 100% कुछ लाइक एंड फॉलोअर्स पा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, सारा प्रोसेसिंग मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा, और बड़ी आसानी से जो है आप वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, छोटा सा एक इंट्रो। सब्सक्राइब करें निव्या मल्टीमीडिया चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सिलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपके काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। उसके बाद प्लस का निशान में क्लिक करके 916 रेशियो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं वाइट बैकग्राउंड ले लिया हूँ। उसके बाद आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो है फुल स्क्रीन कर लेना है। इस तरह फुल स्क्रीन करने के बाद आपको इस वीडियो का इस पोजीशन पे आना है, और इसका जो है क्रोमा की निकालना है। इसका कलर जो है क्रोमा की का कलर जो है उसको ब्लू रख लेना है। उसके बाद बाकी सारे को जीरो में रख के इस तरह जो है ओके कर लेना है। उसके बाद ज़रा एडजस्ट कर लेना है इसको, इस तरह जो है 60 और 40 में रख के इसको जो है ओके कर लेना है। उसके बाद जो फ़ोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करने के लिए आपको लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद उस फोटो को आप इस तरह जो है सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट रहने से उसको इस तरह जो है क्रॉप कर लेना है। क्रॉपिंग का ऑप्शन में क्लिक करके क्रॉप करके और इसको जो है ओके कर लेना है। करने के बाद आपको इस पोजीशन पे रख के और थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर लेना है। उसके बाद आपको चाबी वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद ज़रा सामने लेना है, इस तरह सामने लेने के बाद इसको जो है अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह इस पोजीशन पे रखने के बाद इसको इस तरह मोटा करके एडजस्ट करके इस तरह रख लेना है। उसके बाद फिर से जो है इस तरह रख लेना है, अच्छा से कर लेना है। इस तरह करने के बाद आपको जो है ओके कर लेना है। फिर से क्या करना है, लास्ट पोजीशन पे इस पोजीशन पे रख लेना है। रखने के बाद दूसरा जो फोटो है आपका लगाने चाहते हैं उसको इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको इस तरह जो है क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ओके कर लेना है, और इसको इसमें आइस का बीच में रख के सेंड टू बैक कर लेना है। करने के बाद इसको जो है एडजस्ट करके इस तरह रख लेना है, और
चाबी का ऑप्शन में क्लिक, चाबी का ऑप्शन में एक बार टैप कर लेना है और ज़रा सामने लेना है। सामने लेने के बाद इसको जो है फुल स्क्रीन कर लेना है, इस तरह बड़ा कर लेना है उसको और ओके पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपकी वीडियोस को एक बार प्ले करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह जो है आपकी वीडियोस बनके तैयार हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से उसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कुछ लाइक एंड फॉलोअर पा सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए सबसे पहले जो है इस पर टैप कर लेना है, ये जो दिख रहा है उस पर टैप कर लेना है और एक्सपर्ट का ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस तरह का वीडियो जो है बड़ी आसानी से बना सकें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह का वीडियोस बनाकर अपलोड करके कुछ लाइक एंड फॉलोअर पा सकें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।